हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी एट योर होम एंड एंजॉइंग योर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल. टुडे वी विल कंटिन्यू विद अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन, दैट इज फिफ्थ मेथड, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट एंड insoluble solid substance from a liquid. एक liquid में से insoluble solid substance को separate करने के लिए इन methods का use किया जाता है. Though by this method complete separation is not possible. You must have seen your mother soaking rice grains in water before cooking them. आपने देखा होगा कि कभी भी जब आपकी मम्मी राइस कुक करती हैं तो उसको उससे पहले सोक करके रखती हैं, हैं, भिगो के रखती हैं. द मैथड यूज बाय हर इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. जो वो मैथड यूज़ करती हैं वो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन होता है. वो ऐसा ये मैथड इसीलिए यूज़ करती हैं जिससे जो राइस ग्रेन में जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो लाइटर सॉलिड सब्सटेंस हैं, जैसे स्ट्रॉ हो गए या फिर कुछ इंसेक्ट हो जाते हैं उसमें राइस में, उनको सेपरेट आउट करने के लिए वो इस मेथड को यूज़ करते हैं. लेट्स कंटिन्यू. समटाइम्स इट मे नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग. कभी कभी ऐसा होता है कि विनोइंग या हैंड पिकिंग की प्रोसेस से भी मिक्सचर में से हम कुछ कंपोनेंट को सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस. जैसे दालों में या फिर राइस में, देखो मैंने आपको बताया था ना, डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम ये वाली प्रोसेसेस यूज़ करते हैं. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज़ सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. अब हम उनको कुक करने से पहले उनमें से ये इम्प्योरिटीज़ कैसे दूर करेंगे. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. यूजुअली वॉश किया जाता है राइस को और पल्सेस को कुक करने से पहले. व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, जब भी आप इसमें वाटर ऐड करते हैं, द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड. जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर. ये वाटर के साथ सेपरेट आउट हो जाती हैं. नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट. वेसल के जो नीचे बॉटम वाले पार्ट में क्या सिंक हो जाता है, क्या डूब जाता है, राइस या डस्ट. वाई, क्यों. Have you seen that the vessel is tilted to pour out dirty water? आपने देखा होगा कि जब भी हम उस dirty water को, जो rice जिसमें हमने soak करे हैं वो dirty हो जाता है, जिसमें हमने pulses soak करे हैं वो dirty हो जाता है water, उसको हम निकालने के लिए क्या कर देते हैं, vessel को, बर्तन को थोड़ा सा tilt कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं. When the heavier component in the mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. अब क्या है, जब हैवियर कंपोनेंट, जो मिक्सचर के जो हैवियर कंपोनेंट हैं, वो वाटर में, वाटर ऐड करने के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. जब वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में, व्हेन द वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव्ड, जब उस वाटर को जिसमें डस्ट पार्टिकल हैं, सॉइल पार्टिकल हैं, इंसेक्ट हैं, उसको रिमूव किया जाता है, उस वाटर को रिमूव किया जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन. सी इन दिस फिगर, देखिए ये क्या है, सेपरेट टू कंपोनेंट, ये मिक्सर है सॉइल का और वाटर का. बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, जब ये सेटल डाउन हो गया तब हमने इसको कहा ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस है. और जब हम देखिए इसको सेपरेट आउट कर रहे हैं, है ना, वाटर को रिमूव कर रहे हैं इसमें से, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं डिकेंटेशन. Let us found a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. The same principle is used for separating a mixture of two liquids.
दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. यही सेम प्रिंसिपल हम उन दो लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज करते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर नेवर मिक्स, है ना, कभी मिक्स नहीं होता. फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. अब इस प्रोसेस से हम ऑयल को और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं. देखो वाटर में अगर हम ऑयल मिक्स करते हैं तो ऑयल की एक लेयर अलग सी बन जाती है ना, तो उसको हम इस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate air. अगर हम इन लिक्विड को कुछ देर बिना इनको टच करे, बिना इनको मिक्स करे, ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये क्या करेंगे, टू सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेंगे. द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाई डीकंडेशन. अब जो कंपोनेंट ऊपर की लेयर टॉप लेयर फॉर्म करेगा वो डीकंडेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट हो जाएगा.